भाई डीजे चना डीजे चना चला दोनों टीम जो राखी खिलाड़ी आज लगे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर और मुकाबला होने जा रहा है फनसवाड़ी वर्सेस कारवट के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला दो ओवर का ये मैच तीन ओवर का मैच है तनाजी शिंदे जी तीन ओवर का मैच है यस तीन ओवर का मुकाबला कैलाशवासी होसा भाई सीताराम पवार स्मृति चिषक 2022 और पहले अगर पिछले इनिंग की बात करें जिनका आवाज सुन रहे थे हमारे आरजे प्रदीप जी विचारे प्रदीप जी विचारे का आवाज सुन रहे थे हम हमारे नवी मुंबई के लेजेंड कमेंटेटर और पाटन तालुका में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी टीमों के खिलाड़ियों के लिए यहां पर कहते कि नॉनवेज यानी मटन का यहां पर लंच यहां पर मुहैया कराया गया तनाजी सीताराम जी पवार की तरफ से यह पहली बार ऐसा हुआ है पाटन तालुका के इतिहास में ओवर द विकेट क्वार्टर फाइनल का पहला मैच हवा में बॉल लीडिंग एज लेकर गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ एक रन इसके बाद जो आवाज हम सुनेंगे हमारे नवी मुंबई के और साथ ही साथ सह्याद्री क्रिकेट एसोसिएशन के उभरते हुए समालोचक पिछले एक दो वर्षों में जिन्होंने शानदार समालोचक किए सह्याद्री क्रिकेट टूर्नामेंट्स के अमोल जी पवार और शांताराम जी अमकर पॉइंट के ऊपर से इस बार खेल दिया गेंद को और गेंद जाती हुई गैप में और ये शानदार स्ट्रोक आता हुआ और तनाजी शिंदे का इशारा आता हुआ इस बीच एक शानदार जानदार चार रन स्कोर 10 दीजिए विकेट लेता हुआ इस बीच It's SK Star.
पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर संख्या टोटल 10 रन। बॉलिंग कर रहे बॉलर बंटी, बंटी का ओवर कंप्लीट हुआ और नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। तीन ओवर का एक क्वार्टर फाइनल मैच, जो जीतेगा सीधा सेमीफाइनल में जाने वाली आज की पहली टीम होगी। कैलाशवासी होसाबाई सीताराम पवार स्मृति चिशक 2022 हम देख रहे प्रमुख आयोजक की भूमिका में हमारे तानाजी पवार साहब और साथ ही साथ स्थानीय नगर सेवक आदरणीय विलास रामदाजी बोईर साहब और श्री मोरेश्वर पदाजी ठाकुर हमारे विभाग प्रमुख शिवसेना के और हमारे शाखा प्रमुख शिवसेना के हमारे विभाग के तानाजी सीताराम जी पवार और संयोजक की भूमिका में नौतरुण मित्र मंडल। दुविधा में थे, खेले या पॉइंट पर खेले या ऑनसाइड में खेले, इस चक्कर में बैट का हिस्सा तो लगा है, गेंद जाता हुआ पॉइंट पर दो रन ले लिया गया है। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। तो विकेट गिरता हुआ इस बीच और 10 के स्कोर पर बल्लेबाज आउट होते हैं। हमारे कोपरी गांव के एक स्टार क्रिकेटर समीर तावरे, इनका आगमन हुआ है, सुस्वागतम समीर तावरे। तो स्कोर हुआ 10, नया बैट्समैन 12 रन हुआ, नया बैटर सतीश। मुकाबला फनसवाड़ी वर्सेस कारवट के बीच, कारवट टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया आज के दिन, देखा तो सबसे पहले जरियाली और टीम को उन्होंने पराजय किया। बाया से ओवर द विकेट फ्लाइट दी थी थोड़ी सी और गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर के नीचे फील्डर नीलेश और एक लाजवाब कैच, एक और विकेट गिरता हुआ। बैटिंग टीम फनस वाड़ी टीम को लगता है एक और झटका 12 के स्कोर पर। आइए डीजे तो 12 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा है, तीन लेफ्ट के इस बार ऊंची तो काफी गई है, नीचे फील्डर आते हुए गेंद किया और एक लाजवाब कैच, एक और सफलता, ऑन ए हैट्रिक, ऑन ए हैट्रिक। मौका टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लेने का, 12 पर अब तक 4 खिलाड़ी आउट हुए। चंद्रकांत गेंदबाज क्या पहली हैट्रिक लेंगे, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दायां से ओवर द विकेट, ऑन हैट्रिक पर, गेंद ऊंची गई है, हैट्रिक का मौका है, कैच पकड़ेंगे तो टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी और कैच छोड़ दिया वहां पर फील्डर ने, आसान सा कैच छोड़ दिया और मुश्किल कैच पकड़ा गया था इससे पहले, और अगर ये कैच पकड़ते तो निश्चित तौर पर टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हो सकती थी, पहले गेंदबाज बन जाते थे जिन्होंने हैट्रिक लिया आज के पूरे दिन। चंदू और दो रन इस बीच दौड़ कर लिया गया, स्कोर बढ़ता हुआ 14 पर, 4 विकेट गिरा अब तक। बैटिंग करते हुए फनसवाड़ी, 3 ओवर का मुकाबला, दूसरा ओवर चलता हुआ, क्वार्टर फाइनल मैच है, ओवर द विकेट, स्ट्रोक करने की कोशिश थी, हल्की सी अपील ऑस्ट्रेलिया के अंपायर की तरफ विकेट कीपर का, लेकिन अंपायर का मानना पॉपिंग क्रीज के अंदर बैट्समैन का पैर अभी भी वहां पर है जिसकी वजह से नॉट आउट। 5 गेंदे अब तक इस ओवर में हुई है, कुल स्कोर संख्या 14-14 पर। दायां से ओवर द विकेट, स्विच हिट किया इस बार और गेंद जाते हुए यहां पर कवर पॉइंट की तरफ, राइट हैंड बैट्समैन है, थोड़ी सी
स्विच हिट करने की कोशिश थी, हालांकि मिस टाइमिंग स्ट्रोक, आखिरी बॉल पर एक सिंगल आया है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के मैच में, और 2 ओवर के बाद कुछ स्कोर हुआ, टोटल 15-15 रन। टॉस के लिए बोलना चाहूंगा मारवन टीम और वन कुसौड़े, क्वालिफायर दूसरा मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल। मारवन टीम और वन कुसौड़े, जहां कहीं भी कप्तान हो फटाफट स्टेज पर आना टॉस के लिए। पुल शॉट खेला है मिड विकेट के रीजन पर, पीछे फील्डर है, डीप में दौड़कर आएंगे, तब तक का एक रन लिया गया है। एक दिन का ये टूर्नामेंट था और ऐसा लगा कि इतनी कुछ खास टूर्नामेंट होगी नहीं, लेकिन क्या लाजवाब आयोजन तानाजी पवार साहब के माध्यम से। और सबसे खास बात, पाटन तालुका में इतिहास में पहली बार हुआ है कि हारी हुई या जीती हुई टीम हो, सभी प्लेयर्स के लिए यहाँ पर नॉनवेज, यानी रविवार का दिन है तो मटन का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, और उनका कहना है कि सभी खिलाड़ी खाना खाकर ही जाए, और पहली बार ऐसा हुआ है पाटन तालुका के इतिहास में। गैप पे खेला हुआ स्ट्रोक था, स्क्वायर लेग के रीजन पर बैट से आता हुआ एक शानदार जानदार धमाकेदार चौका डीजे। कुल स्कोर संख्या 20 रन, इनिंग का आखिरी ओवर है, इसी तरह की बैटिंग करनी होगी। फनसवाड़ी टीम प्रथम पहले बैटिंग करती है, इसके बाद जो मैच खेलेगा मारवन टीम और वन कुसौड़े टीम, मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। ये आखिरी कॉल है, मिड इनिंग में जो कैप्टन अवेलेबल नहीं रहता तो फिर अन्यथा आयोग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यस, मारवन टीम की तरफ से प्रकाश ने सुबह के सत्र में अर्धशतक लगाया, 16 गेंदों में 50 रनों की अफलातून इनिंग उनके द्वारा। फुल टॉस की गेंद थी, एक सिली पॉइंट रखा जरूर था, बैट का हिस्सा लेकर गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ, तानाजी शिंदे और श्रीकांत पवार दो अंपायर, आप देख सकते हैं इस मैच में अंपायरिंग करते हुए। एक रन आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21-21 पर। गेंदों की बात करें, 3 गेंदे अभी भी शेष इस इनिंग में, जो जीतेगा जो ये मुकाबला जीतेगा निश्चित तौर पर टॉप 3 में उस टीम को जगह मिल सकती है, यानी एक ट्रॉफी लगभग पक्की हो जाएगी और पुरस्कार लगभग पक्का हो जाएगा। पहला पुरस्कार 25,000 चमचमाती हुई ट्रॉफी, दूसरा पुरस्कार 15,000, तीसरा पुरस्कार 10,000 चमचमाती हुई ट्रॉफी, कैलाशवासी हंसाभाई सीताराम पवार स्मृति चषक 2022। आगे बढ़कर एक लाजवाब बहुत हार्ड, एकदम कड़क, और गेंद जाती हुई लॉयडिश लॉन्गन के ऊपर से 6 रन डीजे। टूर्नामेंट माइक चालू है, लाइव आवाज जा रहा है यहाँ पर। मेरे ख्याल से जरी अली के सभी भविष्य खिलाड़ी आप देख सकते हैं, 7-8 लोग बैठे हैं। टॉस होने जा रहा है इस इनिंग, दो गेंद बाद मिड इनिंग में टॉस होगा मारवन टीम और टीम देखा जाए तो वन को साढ़े आ के बीच। 3 ओवर का मैच, चला स्पीड अप करा तानाजी शिंदे, प्लेयर्स ला सांगा जरा लगेज फील्डिंग होंगे, स्पीड अप करा, मैच चालू करा परत। टोटल स्कोर 27 पर,
संयोजक की भूमिका में नवतरुण मित्र मंडल वाटोले जरियाली राउंड विकेट बॉलर खबर के ऊपर से शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन बैट का हिस्सा अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गई डिक्लेयर जोन की तरफ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28 इनिंग की आखिरी बॉल आने वाला आखिरी एक गेंद शेष इनिंग की स्कोर 28 पर है। तीन ओवर का एक क्वार्टर फाइनल जो जीतेगा एक ट्रॉफी लगभग उस टीम को पक्की हो जाएगी प्लस प्राइस यानी टॉप थ्री में जाने वाली आज की शाम की पहली टीम होगी जो यह मैच जीतेगा। अगला मैच मारवन वर्सेस वन कुसौड़े अपील की गई है वाइड जरूर दी गई है नॉट आउट का इशारा भी आया स्कोर बढ़ता हुआ 29-29 पर। जैसे इनिंग समाप्त होगा बैटिंग टीम फनसवाड़ी सभी कैप्टन टीम को लेकर फील्डिंग लगाना है फटाफट। जैसे इनिंग समाप्त होगा बैटिंग टीम फील्डिंग लगानी है फील्डिंग टीम बैट्समैन भेजना आपको। मुकाबला फनसवाड़ी वर्सेज कारवट के बीच चलता हुआ आखिरी गेंद इस इनिंग की स्कोर 29 पर है। आरटीसी लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट लाइव दिखाया जा रहा है कैमरामैन की भूमिका में सत्यवान पाटिल राउंड द गेट हो करारा शॉट गैप में और देकर जाएगी यहां पर टीम को एक शानदार चौका इनिंग की समाप्ति एक शानदार तरीके से चार रन इनिंग समाप्त 33 टीम का स्कोर और टारगेट है 34। मूड झालं प्रेशर in the mix तो टॉस हो रहा है अमोल टॉस में जाइए हेलो टॉस का वर्ष मध्ये आपण जाऊया तर टॉस का वर्ष मध्ये आपण होऊया टॉस उडवला जाईल या स्पर्धेचा तर आदरणीय काशीनाथ मारुती पवार साहेबांचे असते या ठिकाणी टॉस का बॉक्स मध्ये टॉस उडवला जाईल या स्पर्धेचे नेक्स्ट क्वार्टर फायनल असेल आणि नेक्स्ट क्वार्टर फायनल खेळत असताना आपल्याला पाहायला भेटेल मारवण संघाच्या विरोधात खेळत असताना वनकसोडे अ संघ टॉस केला जातो दोन्ही संघाचे कर्णधार उपस्थित आहेत मारवण संघाचा कर्णधार उपस्थित आहे आणि त्यानंतर वनकसोडे संघाचा कर्णधार उपस्थित आहे टॉस केला जातोय मान्यवरांच्या हस्ते तर टॉस जिंकलाय मारवण संघाने आणि सर्वप्रथम तुला क्वेश्चन विचारला जाईल ही स्पर्धा कशी वाटते खूप छान स्पर्धा आहे या स्पर्धेमध्ये खेळताना कसं वाटते खूप छान वाटते कारण सह्याद्री क्रिकेट असोसिएशनच्या मार्फत ही स्पर्धा म्हणजे खूप अशा स्पर्धा खेळताना बरं वाटतं नक्कीच ही स्पर्धा तुमच्यासाठी उपलब्ध करून दिली परंतु ही स्पर्धेचं जे आयोजन आहे आणि या आयोजनाबद्दल या आयोजकांबद्दल तुझं काय म्हणणं असं आयोजन खूप सुंदर आहे तर टॉस जिंकला सर्वप्रथम निर्णय काय असेल यस टॉस जिंकला मारवण संघाने आणि टॉस जिंकत असताना निर्णय आपल्यापर्यंत नक्कीच पोहोचेल तर वनकसोडे संघाचा कर्णधार उपस्थित आहे ही स्पर्धा कशी वाटली अतिशय खूप चांगल्या प्रमाणे नियोजन केलेलं आहे इथे त्याबद्दल मी नवतरुण मित्रमंडळाचे अभिनंदन करतो आणि त्यांनी हा प्लॅटफॉर्म तयार केल्यावर त्यांचे हार्दिक अभिनंदन एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म निर्माण केला आहे आणि एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती तुम्ही खेळत असताना तुम्हाला कसं वाटतं खूप अति आनंद होत आहे कारण मुंबईसारख्या ठिकाणी अशी नियोजन करणं मुश्किल आहे तरी पण त्यांनी नियोजन केलं होतं त्यामुळे तानाजी पवारांचं मी अभिनंदन कारण त्यांनी एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म आणि त्यांचा आज मातृ दिवस आहे तेव्हा त्यांनी त्यांच्या आईच्या स्मरणार्थ चषक ठेवला त्याबद्दल त्यांची मी खरोखर ऋणी आहे आणि वेळेवर त्या आणि अशी आपल्या सह्याद्रीला साथ द्यावी अशी मी विनंती करतो त्यांना नक्कीच दोन्ही कर्णधारांचं काशीनाथ पवार साहेब आहेत ही स्पर्धा कशी वाटते तर नक्कीच वळूया परत एकदा टॉस बॉस टॉस समालोचन कक्षामध्ये सचिन गिरे यांच्याकडे लक्षात घ्या दोन्ही टीम वन कुसौडे आणि मारवण टीम
वन कोसौड़ी आणि मारवण टीम साठी एक अनाउंसमेंट असेल, तुम्ही टॉस बॉक्स मध्ये जातात, लाइव चालू आहे, लगेच जे काही निर्णय असेल तुम्हाला लगेच सांगायचे, असं नाही करायचं की नंतर आम्ही सांगणार तुम्हाला सांगतो काय, शेवटचा कॉल असेल लगेच तिकडे सांगायचं आहे. तानाजी शिंदे अंपायर, बाउंड्री है, बाउंड्री यस. बाहर गेला बॉल म्हणून बाउंड्री असेल. चला मॅच चालू करा. आयोजक आम्हाला कळवतात बाहेर गेला बॉल, चौका आहे, चला मान ठेवा, मॅच चालू करा लगेच. तो चौके के साथ पारी की आगाज की गई है, टारगेट है 34, तीन ओवर का मैच ये क्वार्टर फाइनल. बैकफुट पे जाकर पुल शॉट खेलना चाह रहे थे और गई है गेंद डिक्लेयर जोन की तरफ और मिलेगा सिर्फ एक, स्कोर आगे बढ़ता है 5 पर. डांसिंग डाउन द विकेट खेला है, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर में, पीछे फील्डर और दो खिलाड़ी टकराते हुए और गेंद रुक गई है एक्स्ट्रा कवर की तरफ. सभी खिलाड़ियों के लिए अनाउंसमेंट है, थोड़े से हमें मटन तैयार हो चुका है, हारी हुई टीम हो या जीती हुई टीम हो सभी को भोजन करके ही जाना है. ये अनाउंसमेंट आयोजक तानाजी सीताराम जी पवार की तरफ से आता हुआ. स्कोर हुआ टोटल 8, तीन गेंदे हुई है, कुल स्कोर 8 रन. अंपायर से परमिशन लेकर ही कोई भी खिलाड़ी बैट अंदर लेकर आएगा. 4 मैचेस और इसके बाद है फाइनल पकड़कर. राउंड विकेट बॉल है तयार, ऑन द राइज खेला स्ट्रोक को, हवा में एक बार फिर बॉल, क्या इस बार कैच पकड़ा जाएगा, जी नहीं, कैच ड्रॉप. लगातार दो कैचेस छूटे और दो रन इस बीच. 34 का टारगेट दिया गया है फनसवाड़ी के द्वारा और पिछले मैच में भी फनसवाड़ी टीम ने शुरुआत में कैचेस छोड़े थे लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने कमबैक कराया था और जिताया था अपनी टीम को मैच, लेकिन इस बार भी वही गलतियां. आप देख सकते हैं फील्डर्स ने कैच छोड़े और जिसके वजह से बैट्समैन को जीवन दान तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ रनों में भी इजाफा हो रहा है. स्कोर हुआ 10, दोनों बल्लेबाजों का कैच अब तक ड्रॉप किया गया है फील्डरों से. स्विच इट, ग्लेन मैक्सवेल स्टाइल खेला हुआ स्ट्रोक, डेविड वार्नर कह लीजिए. एक बार फिर स्विच इट किया लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, क्या तीसरा कैच पकड़ा जाएगा, जी हाँ, इस बार गलती नहीं. फनसवाड़ी टीम गलतियों को यहां पर कहीं ना कहीं गलतियों में सुधार लाती भी है और इस बार 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 दिवाली नहीं आती जनाब, यही कहा वहां पर गेंदबाज ने.
पिछली बॉल पर स्विच हिट पर सिक्सर लगा जरूर, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बैट्समैन आउट 16 के स्कोर पर। कप जीतने के लिए 18 रन कंपलसरी चेस। जड़ में डाली हुई गेंद थी, मिड विकेट पे खेला, जमीन से चूमती हुई गेंद जाती हुई पीछे, फील्डर ने लाजवाब फील्डिंग की है। एक हाथों से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती, लेकिन बैकअप है, ज्यादा नुकसान नहीं। 2 रन 11 गेंदे, अब 16 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए टीम कारवट टीम को। किस करवट ये मैच बदलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। कारवट वर्सेस मुकाबला फनसवाड़ी के बीच नेक्स्ट मैच, मारवन वर्सेस मुकाबला वन कुसौड़े के बीच खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल 2। जो ये मैच जीतेगा, मौजूदा मैच जो टीम जीतती है 3 ओवर का, तो निश्चित तौर पर उस टीम को टॉप 3 में जगह मिलेगा, यानी एक ट्रॉफी लगभग पक्की हो जाएगी, एक पुरस्कार लगभग पक्का हो जाएगा। कैलाशवासी हौसाबाई सीताराम पवार स्मृति चषक 2022 आज मदर्स डे, और मदर्स डे के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तानाजी के माता श्री उनके स्मरणार्थ में आयोजित किया गया प्रतियोगिता, हम देख रहे हैं। 11 गेंदे 16 रन, बाउंसर थी और गेंद को शॉर्ट ऑफ जैब यानी पुल शॉट खेला है, गेंद गई है फाइल लेग के डिक्लेयर जोन की तरफ, एक रन का इशारा डिक्लेयर जोन में। 10 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदे 15 रन। नेक्स्ट मैच आप देख सकते मुकाबला होगा मारवन वर्सेस जबन को सवड़े के बीच, पहला अर्धशतक लगाने वाले बैट्समैन आज के दिन बैट्समैन प्रकाश ने ये कारनामा किया है। प्रकाश पावधने एक ही मैच खेले, दूसरा मैच उनको बाय मिला है, जिसकी वजह से अर्धशतक लगाया उन्होंने आज का। 10 बॉल में अब चाहिए 15, 10 गेंदे 15 रन, जबरदस्त मैच, आगे बढ़कर खेलना चाह रहे थे। बल्ला हाथ से छूटा लेकिन किस्मत का साथ है, बल्ला छूटा लेकिन किस्मत का साथ, सही समय पर देखा जाए तो पहुंच गए थे, अगर ये डायरेक्ट हिट होते तो बल्लेबाज का काम तमाम था। आया है डॉट बॉल फनसवाड़ी टीम के लिए, मैंने पहले कहा था फनसवाड़ी शुरुआत में कैचेस ड्रॉप करती है, गलतियां करती है, लेकिन उसके बाद सुधार आता है और वही होता हुआ कम बैक करते हुए, बाउंस बैक करते हुए, वापसी करते हुए इस मैच में। अब चाहिए 9 गेंदों में 15 रन, 9 बॉल्स 15 रन, 9 चेंडू 15 धावा कंपलसरी चेज, 9 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता। बॉलर तैयार ओवर द विकेट, ब्रेक हिट किया इस बार बैट के बीचों बीच, ऊंची तो काफी गई है लेकिन उतनी दूरी नहीं, कैच पकड़ा गया है, 3 कैचेस छोड़े उसके बाद 2 शानदार कैचेस पकड़े गए हैं, और फनसवाड़ी टीम ने एक बार फिर दिखा दिया कि लड़ाई लड़ेगी ये टीम, हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि हम में भी है दम, हम भी नहीं है किसी से कम। फनसवाड़ी डीजे
अब सात गेंदों में चाहिए 13 रन, सात गेंदे 13 रन, अगर ये सिक्सर होता तो मैच में पूरी तरह यहां पर शिकंजा कस लेती थी। फुल शॉट, फ्रंट फुट बनाकर हवा में बॉल और लगभग पहुंच गए थे, हाफ अ चांस, दो रन दौड़ कर लिया गया, शायद तीसरा जी नहीं, बैट्समैन होंगे आउट, तो जीतने के लिए अब 11 रन चाहिए। चलिए अंपायर का डिसीजन फाइनल है, बॉलर आप अंपायर मत बनिए, अंपायर अपना काम कर रहे हैं। चलिए अंपायर ने अपना काम किया वहां पर, बाकी प्लेयर्स अंपायर ना बने, जिसका काम उसको साझे। चलिए मैच चालू करना है फटाफट, 6 गेंदे 11 रन, आइए संगीत सुनते हैं। चला मैच चालू करा, मैच चालू करा, परत 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन चाहिए। छह गेंदे 11 रन, डीजे
बार का डिसीजन फाइनल डिसीजन आया। कल्पेश मैच चालू करा, मैच चालू करा। चला मैच चालू करा लवकर। छह गेंदे 11 रनों की आवश्यकता, मुकाबले की शुरुआत हो रही है। छह गेंदे 11 रन। चला बॉलर बॉलिंग टका,
फणसवाडी टीम बॉलर बॉलिंग टाका लगेस फिल्डिंग टीम तुम्ही जास्त टाइम घेतात बॉलर बॉलिंग टाका बॉलर राउंड बॉलर तुम्हाला शेवटी अनाउंसमेंट असेल जर तुम्ही अजून वर घेतला तर तुम्हाला दोन धावांची पेनल्टी असेल लक्षात घ्या डाउन द लेग बॉल ये व्हाइट छह गेंदे दस रन चाहिए अब छह गेंदे दस रन ऋतिक नया बैट्समैन छह गेंदे दस रनों की आवश्यकता जो जीतेगा सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम और गेंद सीधा जाता हुआ यहां पर डिक्लेयर जोन की तरफ पांच गेंदे अब नौ रनों की आवश्यकता पांच गेंदे नौ पांच गेंदे नौ आउट व्हाइट है जरूर लेकिन आउट का भी यहां पर सिग्नल दिया अंपायर ने पांच गेंदे और अब आठ रनों की आवश्यकता पांच गेंदे आठ रन पहला व्हाइट नंतर एक सिंगल असेल नंतर व्हाइट फणसवाडी तुमचा एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्या सोबत जोडलेला आहे तो पण लक्षात देतात आठ रन चाहिए पांच बॉल में पांच गेंदे आठ एक रन यहां पर लिया गया बीसी लिमिट ऑफ की तरफ खिलावा स्ट्रोक एक रन सिंगल सात रन चाहिए अब दस गेंदे नो बॉल दिया गया है थ्रो बॉलिंग के लिए नो बॉल दिया गया है चला अंपायर चा डिसिजन फाइनल डिसिजन असेल चार गेंदे सात रन चाहिए थे इससे पहले और अभी का अंपायर का डिसीजन क्या है तना जी अंपायर डिसीजन चला अंपायर मैच चालू करा तानाजी आताच काय तानाजी नो बॉल यस चला मॅच चालू करा लगेच चार गेंदे छह रन चाहिए अब चार गेंदे छह रन चार गेंदे छह रन चाहिए अब ये मैच कंप्लीट होते होते डेढ़ घंटा लग गया है चार गेंदे छह रन चला मैच चालू करा यानंतर जेवढे मॅचेस असेल दोन दोन ओव्हरचे असेल
आयोजकाकडून ही सूचना होते की यानंतरचा जेवढे मॅचेस असेल दोन दोन ओव्हरचे असेल. बॉल बैक टू ड्राइव, रन आउट का मौका और खराब फील्डिंग. तीन गेंदे पांच रन चाहिए अब, तीन गेंदे पांच रन. तीन बॉल में पांच रनों की आवश्यकता यहां से अब. ओ मिस फील्डिंग, दो रन, दो गेंदे तीन रन अब कंपल्सरी, दो गेंदे तीन रन चाहिए अब. दो बॉल में तीन रनों की आवश्यकता यहां से, जहां पे विकेट होना चाहिए था वहां पर दो रन गवाया फनसवाड़ी टीम ने. दो बॉल में तीन रन चाहिए कारवा टीम को अब सेमीफाइनल में जाने के लिए. कंपल्सरी दो गेंदे तीन रन. दो गेंदे तीन रन कंपल्सरी. टॉपेज लगा है और गेंद जाती है डिक्लेयर जोन में. एक रन आखिरी बॉल, दो रन चाहिए कंपलसरी. एक रन बनता है तो फील्डिंग टीम मैच जीत जाएगी, दो रन बनाएगी तभी कारवा टीम मैच जीतेगी. आखिरी बॉल दो रन, लाजवाब है मुकाबला. आखिरी गेंद दो रन कंपलसरी, आखिरी बॉल दो रन चाहिए अब. चला स्पीडअप करा, स्पीडअप करा बॉलर. बॉलर स्पीड अप करा. फुल टॉस गेंद हवा में, कैच पकड़ते हैं तो मैच पकड़ेंगे और जीत लिया है. फनस वाड़ी है, मैच जीत गई है. आखिरी बॉल पर चाहिए थे दो रन, बैट्समैन कैच समाप्त होते हैं और मुकाबला समाप्त. जैसे बोला मैच से उस लोग